पहुंचे, उनकी हालत के बारे में उन्होंने जाना, उनसे बातचीत की। कवासी लखमा फिलहाल ठीक है, उनकी हालत स्थिर है। माइनर अटैक उन्हें आ गया था, जिसके बाद आप देख रहे हैं ये तस्वीर। मुलाकात का जो सिलसिला अस्पताल में देखने को मिला, और विजय शर्मा डिप्टी सीएम मिलने पहुंचे। कवासी लखमा अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। कवासी लखमा की जब तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों की तरफ से कहा गया माइनर अटैक उन्हें आया था, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। पूर्व में आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं कवासी लखमा। और अब खबर बिलासपुर से है। यहां के तोरवा थाना क्षेत्र के देरी खुर्द अटल आवास में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बसने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने आईजी, एसपी और नगर निगम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही लोगों ने वेरिफिकेशन की मांग की है। ये भी बता दें कि सर्वे में 65 परिवारों के अवैध कब्जे का खुलासा हो चुका है। निगम ने पुलिस को सर्वे की सूची सौंप दी है। लोगों ने इलाके में अपराध बढ़ने का भी आरोप लगाया। हाँ, जब से अटल आवास निर्माण हुआ वहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोग आके बसे, और धीरे धीरे करके वहाँ आज उनकी संख्या 20 से 30 घरों की हो गई है। और आज दो साल पहले तो बता रहा हूँ 15-20 थे, आज बहुत ज़्यादा संख्या है। अभी वहाँ से देखने में अधिकतर लोग पहचान में नहीं आते कि वो यहाँ के हैं नहीं। और पूर्व में भी मैं बता रहा हूँ, जब 17-18 की बात है, तोरवा थाना को सूचना भी आई थी कि वहाँ बांग्लादेशी कनेक्शन है, बांग्लादेशी से फ़ोन आता है वहाँ, उसकी भी उस वक्त के TI साहब जाँच किए थे। अभी वहाँ ये भी है कि वहाँ धर्मांतरण, आप वीडियो जो अभी न्यूज़ में चल रहा है उसमें भी देख सकते हैं कि कुछ लोग, हिंदू लोग जिन चोटीधारी वहाँ नमाज वमाज पढ़ रहे हैं। अब ये हम चाह रहे हैं कि उनका जांच हो, उनको विस्थापित किया जाए वो जगह से, जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं वहाँ पे, जो लोग किराए में दिए हैं या जो भी वहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसको हटा कर वहाँ पर जो एक्चुअल गरीब हैं उनको रखा जाए वहाँ पर। जो गरीब लोग ले लेते हैं, चार चार उनका रहता है लेकिन वो वहाँ पे रहते नहीं है, उनको वहाँ पे स्थापित किया जाए। अटल आवास में कोई झाड़ फूँक के लिए या बीमारी को ठीक करने और बाकी अन्य करके वहाँ निवास करने वाले और बांग्लादेशी लोग आके वहाँ रह रहे हैं, इस तरह की कोई शिकायत आई है तो जाँच कराई जाएगी उसमें। कितना गंभीर देखती है मैम इस पूरे शिकायत को? शिकायत की जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि ये तथ्य सही है या नहीं है, वो जांच का विषय है। हाँ, जब से अटल आवास निर्माण हुआ वहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोग आके बसे, और धीरे